अच्छा, अरे आ जाओ भाई, आप ही का घर है, स्वागत है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हे भगवान, अब कौन आने वाला है? फिर काम करना पड़ेगा। आइडिया। अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सिर में दर्द हो रहा था। आप बताओ। मैं तो ये कहने आई थी कि मेरे खास रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने की तैयारी करनी है। देखो मम्मी जी, मेरे बस का नहीं है अब और काम करना, और वैसे भी रिश्तेदार आपके हैं मेरे नहीं। और इतना ही मेहमान नवाजी करने का शौक है ना, तो खुद ही कर लो तैयारी खाने की। मेरे बस का नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करूँगी। ठीक है बहू, मैं तो बस वो, खैर चल मैं खुद से ही ले आऊँगी अभी सामान बाजार से, मैं खुद ही कर लेती हूँ तैयारी, तू आराम कर। एक तो घर का इतना काम, ऊपर से कोई ना कोई रिश्तेदार आया ही रहेगा, कोई महीना जाएगा खाली भाड़ में जाए। अरे रेणु तू क्यों गुस्सा हो रही है इतना? अपने आप देखेंगी, तू आराम कर। हाँ मम्मी, क्या आप आ रहे हो? अच्छा मम्मी जी ने तो नहीं बताया मुझे। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है ठीक है। अच्छा क्या मेरी मम्मी आ रही थी? पर मम्मी जी तो कह रही थी कि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? मम्मी जी ये कहने आई थी कि मेरी मम्मी आ रही हैं, और ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो मम्मी जी को उल्टा सीधा सुना दिया। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी तो मम्मी आने वाली थी, पर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तेरी मम्मी आने वाली है। ना कहने को कह सकती थी कि तेरी मम्मी है, कर ले अपने आप, मेरे बस का नहीं है, पर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। बेचारी खुद ही अकेली खाना बनाने में लग गई। मैंने माँ समान सास का दिल दुखा दिया, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। मम्मी जी, अरे बहू तू, आप कैसे तबीयत है तेरी? सिर दर्द में कुछ आराम पड़ा? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? पर किस बात के लिए? वो मम्मी जी, मैंने आपको ना फ़ोन पे बातें करते सुन लिया था कि आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी आने वाली हैं, और मेरे वैसे भी कोई सिर में दर्द नहीं था। मैं तो बस काम से बचने के लिए कि अब फिर रिश्तेदारों का खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिर दर्द का बहाना बना लिया था। मम्मी जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मम्मी के लिए खाना बनाने के लिए कह रहे थे। मैं समझी बहू, तेरी मम्मी भी तो मेरे रिश्तेदार है। और पता है, हमारे बड़े बूढ़ों ने एक बात कही है, अतिथि देवो भव। बेटा अब चाहे अतिथि तेरे हों या मेरे हों, उनका आदर सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। सच बताऊं बेटा, मुझे पता था कि तेरे सिर में कोई दर्द नहीं है, तू बहाना कर रही है। फिर मुझे लगा कि अभी तू नादान है, टाइम आने पर तो खुद समझ जाएगी।
सॉरी मम्मी जी, अब आप मुझे बताओ कि क्या बनाना है, मैं सब तैयारी कर देती हूँ। सब्जी मैंने काट दी है, ऐसा करना तू सब्जी छोंक देना और मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ इतने।